सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। पीरियड्स आने के कितने टाइम के बाद आपको अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट करना चाहिए, यही इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैनल, और बिना किसी डिले के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पीरियड साइकिल के कितने टाइम के बाद आपको टेस्ट करना चाहिए, मतलब कि प्रेगनेंसी का टेस्ट करना चाहिए। सामान्यतः जो टेस्ट किया जाता है वो यूरिन के माध्यम से होता है, और इसमें जो किट यूज़ की जाती है वो सामान्यतः प्रेगन यूज़ होती है। अगर हम इस किट के काम करने के तरीके को जानें तो गाइस, इस किट का जो यूज़ है वो बेटा HCG हार्मोन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। मतलब जब आप कंसीव करते हो, मतलब कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी कब होगी, देखिए जब भी आपको ओवल्यूशन होता है, मतलब कि जब भी आपके अंडेदानी से, ओवरी से अंडा रिलीज़ होता है, रिलीज़ होने को ओवल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। ओवल्यूशन कब होता है, हर 14th डे पर। मतलब कि अगर आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो उसका आप आधा कर दें, 14th डे पर आपको ओवल्यूशन होता है एवरेज, ठीक है। और ओवल्यूशन के बाद जो अंडा रिलीज़ हुआ है, अगर ये मेल के शुक्राणु के साथ मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब कि आप ऐसे मान सकते हो कि जो बीज था वो अंकुरित हो जाता है, ओके। जब ये बीज अंकुरित होगा, मतलब कि सामान्यतः जो भी बीज होता है जब वो अंकुरित होता है तो उसे हम क्या करते हैं, हम उसे बोते हैं। तो मिट्टी के अंदर जब आप बोओगे, मतलब यही है कि जो आपका अंडा था वो फर्टिलाइज हो गया, अंकुरित हो गया, तो वो बोया कहाँ जाएगा, शरीर के द्वारा बच्चेदानी के अंदर, ठीक है। तो जब ये बच्चेदानी के अंदर बोया जाता है, ठीक है, बोने के बाद एक कोड होती है प्लेसेंटा नाम से। तो जब ये प्लेसेंटा कोड बननी शुरू होती है तब ये एक हार्मोन को रिलीज़ करता है, यही हार्मोन बेटा HCG हार्मोन होता है। अगर इसके फुल नेम की बात करें तो ये होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। और ये जो है ये सामान्यतः प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है। इसका जो मैक्सिमम रेंज है ये 9 वीक्स के अराउंड का होता है। 9 वीक्स मतलब कि 9 सप्ताह से 12 सप्ताह के बीच में इसका जो हाई रेट होता है वो चरम सीमा पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहते हो ना, तो सबसे अच्छा तरीका इन्हीं टाइम्स के बीच में होता है, जहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग इसका फ्लो देखने को मिलेगा आपके ब्लड स्ट्रीम में, साथ ही यूरिन में भी, ठीक है। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए आपके पीरियड्स के मिस होने पर। तो गाइस देखिए, जब भी आपको ओवल्यूशन होगा, ठीक है, अंडा रिलीज होगा तभी तो वो स्पर्म के साथ मिलेगा, और जब वो स्पर्म के साथ मिलेगा तभी तो आप प्रेग्नेंट होगे, है ना। तो जब ये अंडा रिलीज होता है और जब ये अंडा स्पर्म के साथ में मिलता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को होने में कम से कम एवरेज बात करें तो 24 दिन लगते हैं। तीन हफ्ते का माना जाता है, लेकिन 24-25 दिन लग जाते हैं एवरेज, है ना। तो आपको उस टाइम पीरियड का वेट करना है जब ये टाइम पूरा हो जाए, या फिर आप अपने पीरियड्स की जो लास्ट डेट थी उसी डेट को आप प्रेगनेंसी को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सामान्य से पहले अगर आप प्रेगनेंसी को टेस्ट करोगे तो आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिल सकती है, ठीक है। इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि आपने कंसीव कर लिया है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म नहीं होती कि जो प्रेगनेंसी थी वो बच्चेदानी में लगी है या फिर बाहर लगी है, जिसे एप्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः अगर मैं आपको टाइम पीरियड बताऊं तो कम से कम 21-22 दिन, 24 दिन के अराउंड होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही कंफर्म करना चाहते हो कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो ये सामान्यतः हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने पीरियड के मिस होने की डेट पर ही करें, उससे अगले दिन। और अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है तो एक बार आपको दोबारा श्योर करना है 1 हफ्ते बाद में। और बिल्कुल ही अगर आपने कंफर्म करना है तो जो चरम सीमा होती है HCG की, वो होती है 9 वीक्स से 12 वीक्स के अराउंड में, ठीक है। और इसमें भी अगर आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो सॉरी, आपने कंसीव नहीं किया है,
ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।